एमडीसीएल चिड़ावा ने जेईई एडवांस में चयनित 6 विद्यार्थियों के सम्मान में निकाली शाही रथ यात्रा। विजय जुलूस में शामिल हुए बच्चे व अभिभावक। आईआईटी मद्रास की ओर से जारी जेईई एडवांस परीक्षा परिणाम में झुंझुनू रोड स्थित एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित एमडीसीएल कोचिंग के 6 विद्यार्थियों का आईआईटी में चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों के सम्मान में एमडीसीएल कैंपस से शाही सवारी द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से विजय जुलूस निकाला गया। इस विजय जुलूस का जगह जगह गणमान्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अब कोटा सीकर के बजाय विद्यार्थी एमडीसीएल चिड़ावा से अध्ययन कर देश की टॉप आईआईटी में प्रवेश पाकर अपनी जगह बना रहे हैं। अब झुंझुनू जिले में नीट व आईआईटी की तैयारी के लिए एमडीसीएल एकमात्र विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां अभिभावकों व विद्यार्थियों के डॉक्टर व इंजीनियर बनने के सपने को 100% साकार किया जा रहा है। इस अवसर पर एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुनील कुमार डांगी समेत डांगी मैनेजमेंट सदस्यों ने विद्यार्थियों का सम्मान कर उत्साह वर्धन किया। नहर की मांग को लेकर किसान बड़े आंदोलन को शुरू करने की दी चेतावनी। चिड़ावा सिंगाना सड़क मार्ग पर बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। किसान सभा के बैनर तले चल रहे धरने की किसान ताराचंद की अध्यक्षता में धरनार्थियों ने बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उधर पिलानी में कुंभाराम करनाल के लिए फिर से जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। जल संग्रह समिति संयोजक पार्षद राजकुमार नायक ने पिलानी क्षेत्र में व्याप्त पानी की किल्लत को देखते हुए कुंभाराम करनाल परियोजना को इस पिलानी क्षेत्र में जल्द से जल्द लागू करने के लिए जनसंपर्क शुरू किया है। मोरवा पंचायत के ग्रामीणों से संपर्क किया गया है। नवलगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति कार्यों का किया गया अनुमोदन। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभा भवन में नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना का वर्ष 2024-25 की पूरक वार्षिक कार्य योजना व अन्य कार्य योजनाओं का अनुमोदन, पेयजल से संबंधित चर्चा, विद्युत आपूर्ति व सड़कों और नालियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रधान दिनेश सुंडा के द्वारा लगभग 5 करोड़ की लागत से स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन किया गया। प्रधान दिनेश सुंडा व उपखंड अधिकारी जय सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों को सघन पौधारोपण करने के लिए निर्देशित किया। युवा मित्रों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम झुंझुनू जिला कलेक्टर को ज्ञापन। झुंझुनू जिले के युवा मित्रों ने जिला मुख्यालय पर बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर झुंझुनू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा मित्र संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष विकास गुजर ने बताया कि पिछली सरकार में युवा मित्रों को लगाया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहला काम युवा मित्रों को हटाने का किया और 5,000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले 72 दिनों तक शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दिया गया। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर भी 13 दिन तक धरना दिया गया। 9 दिन के अनशन पर रहने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार संहिता लगने से पहले सरकार से समझौता हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव होते ही आपको बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। गुजर ने बताया कि यदि सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो युवा मित्रों को फिर से आंदोलन शुरू करना होगा और जयपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज युवा मित्र संघर्ष समिति के द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। जो पिछले 72 दिन पहले भी धरना जयपुर चला था और लेकिन फिर आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से हमने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम उस धरने को समाप्त कर दिया था और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि जो ही यहाँ से अपने सरकार नया गठन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम आपको वापस तुरंत उसमें बहाल कर देंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आज कल हमारे समस्त जिलों में दे चुके हैं, हर ब्लॉक पे दे चुके हैं। आज हम भी जिला स्तर पर समस्त झुंझुनू जिले के RYM मतलब युवा मित्र संघर्ष समिति के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमें बहाल किया जाए। यदि बहाल नहीं हुआ तो वापस से वही उग्र आंदोलन होगा, वही शहीद स्मारक पर जयपुर जाम होगा और जैसे 5,000 हमारे जो युवा मित्र हैं
वो समस्त हम सब एक साथ, जैसे ही हमारा डिसीजन नहीं लिया जाता है तो हम एक साथ बात करके सब लोग जयपुर के लिए कूच करेंगे और कूच करके वहां धरने पे वापस बैठेंगे। पिछले दिनों भी 13 दिन हम भूख हड़ताल पे बैठे थे और कुछ फिर भी सरकार ने कोई हमारा संज्ञान नहीं लिया। किरणलाल मीणा जी के घर पे भी 9 दिन हमारा भूख हड़ताल चली थी, 13 दिन वहां धरना चला था, फिर भी संज्ञान नहीं लिया। हमारे एक साथी जो राजकुमार गुप्ता है वो हमारा शहादत दे गया, मतलब हमारे साथ रहा, लेकिन उससे इसमें अवसाद में इतना बुरी तरह अवसाद में वो आ गया था, इतना बुरी तरह फंस गया था कि वो बेरोजगार हो गया था, इतनी ज्यादा टेंशन में आके अवसाद में आके और हार्ट अटैक उसके आ गया था। वो हमारे एक साथी भी हम खो चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा और साथी कोई हमारा जाए। सरकार से हम यही निवेदन कर रहे हैं और उनको संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे युवा मित्रों को बहाली करे और यथास्थान हमें वापस हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। विकास गुजर, जिलाध्यक्ष झुंझुनू।